Hello everyone. Today we will cover illustration 31 and illustration 32. So let's start it. The following is the receipt and payment account of Apollo Hospital for the year ended 31st March 2015. यहाँ receipt and payment account given है और साथ में further information given है. तो हम tick कर लेंगे. पहली information है subscription के बारे में. So we will tick the subscription. नेक्स्ट इज अबाउट स्टॉक ऑफ मेडिसिंस. यहाँ पर जो है मेडिसिंस पर टिक कर लें. नेक्स्ट है मेडिसिन अगेन, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग. इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग यहाँ पर गिवन नहीं है. बिल्डिंग का दोनों का ही बैलेंस यहाँ गिवन है. So you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as at that. So let's start this question. First of all, balance BD given है. It means opening balance of cash given है जो balance sheet में जाएगा. Starting balance sheet में 8500. उसके बाद सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 48,000 रुपीज. साथ में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो एडजस्ट करनी है. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, माइनस less outstanding as on 1st April 2014, that is 500. और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे. जो है 1000 रुपीज, 48,500. अब इसमें हम लेस करेंगे एडवांस रिसीव्ड एज ऑन 31st March 2015 एंड दैट अमाउंटेड टू 500. और ऐड करेंगे एडवांस रिसीव्ड एज ऑन 1st April 2014 एंड दैट अमाउंटेड टू 49,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन. यहीं पर ही पेमेंट साइड भी देख लेते हैं. बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन 33,000 रुपीज. और जो ये मेडिसिन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. पेमेंट कितनी है 33,000 रुपीज, ये राइट कर लेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड. एज यू नो, जो हम यहाँ पर दिखाते हैं ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो पेमेंट नहीं दिखाते होते. एक्चुअल में कंज्यूम कितनी की है मेडिसिन, वो दिखाते होते. तो इसलिए हमें निकालना होगा कि मेडिसिन कंज्यूम्ड कितनी है. और कंज्यूम निकालने के लिए पहले पेमेंट को परचेज में कन्वर्ट करना होगा. इसका मतलब ये है कि ये तो हमने पे किया है जो कैश में परचेज किया, कुछ क्रेडिट परचेज भी किया होगा, उसे एडजस्ट करना होगा. देखो यहाँ पर दिया हुआ डी पॉइंट में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 8000 इन द बिगनिंग एंड 12000 एट द एंड. तो जो बिगनिंग में क्रेडिटर्स हैं उसको तो माइनस कर देंगे, और जो करंट ईयर तक के क्रेडिटर्स हैं इनको ऐड कर देंगे. हमें ये पता चल जाएगा टोटल मेडिसिन परचेज कितनी की है. ओके, कंज्यूम नहीं, ये पता चलेगा परचेज कितनी की है. सो लेस क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, दैट इज 8000 रुपीज. और ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द
एंड ऑफ ईयर दैट इज 12,000 rupees, 37,000 rupees. नाउ जो ये अमाउंट आई है ये परचेज्ड मेडिसिन है. अब हमें निकालने की कंज्यूम कितना हुआ है. फॉर दैट यू हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज हाउ यू विल फाइंड द मेडिसिन कंज्यूम्ड. लुक एट हियर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन द बिगनिंग इज 10,000 एंड एट द एंड इज 15,000. लेस कर देंगे 10,000, ऐड करना है 15,000. 27,000 प्लस 15,000 42,000. राइट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ये तो ऐड करनी है तो यहाँ आ जाएगा 47 और 15,000 लेस करनी है तो आएगा 32,000. ऐड करने थे और ये अमाउंट लेस करने. ओके, आगे देखो. एक और पेमेंट साइड थी फीस टू डॉक्टर, तो यहाँ लिख देंगे हम टू फीस टू डॉक्टर्स दैट अमाउंटेड टू 24,000. आगे ये इनकम साइड डोनेशन गिवन है 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम फॉर द ईयर 9,000. डोनेशन इनकम है बाय डोनेशन 15,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000. अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट तो होगी. जो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी नहीं गिवन तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें खुद फाइंड करनी होगी, वो हम एंड में करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. $12,000 एंड ग्रांट इन एड 20,000 rupees. एक्सपेंसेस आई रहे सैलरी 27,000, इक्विपमेंट परचेज्ड 15,000. इक्विपमेंट के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है. इट मीन्स इक्विपमेंट पर भी क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होगा इनडायरेक्टली. देखो ओपनिंग बैलेंस जो है वो 25,000 है, क्लोजिंग 33 है, और जबकि परचेज कितने की किए 15 के, तो 25 के पहले थे 15 के अब परचेज किए, तो इस तरीके से तो 40,000 के इक्विपमेंट होने चाहिए थे एट द एंड. बट एट द एंड है कितने 33,000. ना तो कोई इक्विपमेंट सेल की, क्योंकि सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 7,000 rupees का वो क्या है, इस ईयर का डेप्रिसिएशन है. तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पर कितना लगा 7,000 rupees. और सेकेंड जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बिल्डिंग पर. देखो बिल्डिंग की स्टार्टिंग में वैल्यू 70,000 थी और एट द एंड 65,000 rupees रह गई. क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा कि बिल्डिंग का कुछ पार्ट सेल किया या, तो ये वैल्यू जो डाउन हुई है 5,000 rupees से, ये क्या है, डेप्रिसिएशन. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 12,000 rupees. चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,200. और जो एट द एंड कैश का बैलेंस है वो कहाँ आएगा, राइट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हमने सब पोस्ट कर दिया. अब जो काम रहता है करना वो रहता है दोनों बैलेंस शीट में. इट्स अप टू यू, आप एक साथ भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो.
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है एसेट्स की, हमें जो पता है हम वो राइट कर लेते हैं। लाइक वी हैव गिवन मेडिसिंस का स्टॉक, वी हैव गिवन सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये सब इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट की तो है, एज ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड एज ऑन 31 मार्च 2015। तो जो यहाँ पर बैलेंस शीट इसमें लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन amounted to 500 rupees, receive in advance that is a liability, it will be 1000, after that stock of medicines 10,000, then we have given amount due to medicine suppliers, it means creditors for medicines, that amounted to 8000, then value of equipment or value of building, equipment hai 25000 aur building hai I guess 70000। ऑल राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन थी, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 9% रिसीव हुआ है 9000 रुपीज, इट मीन्स देर विल डेफिनेटली बी इन्वेस्टमेंट, है ना। तो 9000 रुपीज किसका रिसीव हुआ है, एक्स का 9%। तो हमें फाइंड करना है एक्स, विच विल बी 9000 × 100 डिवाइड बाई 9, विच विल बी 1 lakh rupees। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई, 1 lakh की। वी हैव टू राइट इन्वेस्टमेंट 1 lakh, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सेल करने की बात नहीं की, तो ये नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी आएगी, राइट। सिमिलरली आप सेकेंड बैलेंस शीट बना लेंगे, सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एज इट इज़ रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई, फिर जो प्रीवियस बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड निकलेगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस या फिर डेफिसिट आएगा, उन दोनों को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। नाउ लुक एट द अनदर इलस्ट्रेशन। From the following information, show the salaries item in income and expenditure account for the year ending 31st March 2015 and in the balance sheet as of 31st March 2014 and 31st March 2015. यहाँ पर बस receipt and payment account में salary given है, और साथ में salary से related further information given है, like salary outstanding as on the salary paid in advance. देखो salary एक expense है, subscription एक income का source होता था। यहाँ पर salary को treat करें, treatment same है, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस, जो करंट ईयर तक का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड, जो लास्ट ईयर तक का एडवांस है वो ऐड, जो करंट ईयर में एडवांस मिला है वो माइनस, जैसे हम सर उसमें करते थे सब्सक्रिप्शन में, वैसे बस डिफरेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा। देखो सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना वो एसेट ना होकर लाइबिलिटी होगा, जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता था, क्योंकि वो फर्म को एनजीओ को मिलता है, मिलना बाकी है, बट यहाँ तो पे करना बाकी है ना। सैलरीज एंड एक्सपेंस, तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है देन इट विल डेफिनेटली बी अ लायबिलिटी। अगर आपको कुछ इनकम आना बाकी है एंड इनकम इज योर आउटस्टैंडिंग, देन इट मींस दैट विल बी योर एसेट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 31st एंड 32। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।